अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ साबत मसर की रेसिपी। उसके लिए मैं यहाँ पे 3 पाव साबत मसर यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। एक जग इसमें पानी यूज़ होगा, एक बड़ा मग कुकिंग ऑयल, 5 जवे लहसुन के तड़का लगाने के लिए, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसी हुई हल्दी एंड 1/2 टेबलस्पून नमक। फर्स्टली हम मसर को पहले मैं अच्छे से पानी में धो लूँगी, फिर मैं इसका पानी फेंक दूँगी। पहले मैं प्रेशर कुकर में दाल ऐड करूँगी, इसे मैंने धो लिया है। दाल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इसके बाद सुरख मिर्च, हल्दी और नमक। मसर में मैंने 1 जग पानी ऐड किया है। ये थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, इसके लिए मैं इसके अंदर 1/2 जग पानी और ऐड करूंगी। फ्लेम मैंने अभी इसके नीचे ऑन नहीं की है और अब मैं इसका प्रेशर लगा के रख दूंगी इसके नीचे फ्लेम ऑन करके। ये देखें, ये बनके तैयार हैं। मैंने पूरे 40 मिनट का प्रेशर लगाया था, मीडियम फ्लेम मैंने इसके नीचे ऑन की हुई थी। अब मैं इसे तड़का लगाने के लिए तड़के का पहले सामान तैयार कर लूँगी। तड़का लगाने के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड किया है और उसके अंदर लहसुन के बारीक पीसेस ऐड किए हैं। ये जब फ्राई हो जाएंगे, ब्राउन सा कलर इनका हो जाएगा, फिर मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी। इसके नीचे मैंने फ्लेम मीडियम रखी हुई है। तड़के के लिए ये तैयार है, मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी। इसके अंदर ऐड कर दूंगी साबत मसर की दाल। बनके तैयार है। अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इसे ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और फिर मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।